हेलो दोस्तों, यह है यामा कंपनी का स्कूटी ऑन 55 एरोक्स स्कूटी है। और ये जो स्कूटी है ना, इसमें यानी कि सेल्फ की समस्या हो रहा है, यानी कि जब भी सेल्फ मार रहा है तो सेल्फ काम नहीं कर रहा है। देखो अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो बाइक मेरे पास आया है एकदम नया बाइक है और इसमें यानी कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें हम लोग का कीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब बाइक में सेल्फ स्टार्ट काम ना करे, उस बाइक में कीक ना हो, तो ऐसा मन ख़राब करता है कि गाड़ी को कहीं छोड़ के जा भी नहीं सकते और आप फंस जाते हो। तो इस बाइक में अचानक ऐसा क्या हुआ है जो सेल्फ काम नहीं कर रहा है? तो इसीलिए ये वीडियो को हम शूट कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाएंगे। यानी कि अगर सेल्फ की समस्या हो, सेल्फ अगर काम ना करे, तो सबसे पहले स्टेप आप लोग क्या चेकअप करें, जिसमें कि आप लोगों को पता चल जाएगा जो एक्चुअली क्या फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले इग्निशन को ऑन करेंगे और यहाँ देखेंगे हम लोग का माल फंक्शन लाइट एक बार जल रहा है कि नहीं। यानी कि इग्निशन जब ऑन करेंगे तो सभी लाइट जलना चाहिए। माल फंक्शन लाइट जल रहा है, TCSO भी जल रहा है, और यहाँ ये भी जल रहा है, सभी काम कर रहा है। हॉर्न मार रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा है। देखो इंडिकेटर दे रहा हूँ, इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा है। देखो, और मेरे खींच का सेल्फ मार रहा हूँ, सेल्फ भी काम नहीं कर रहा है ना। तो चलिए फटाफट, ज़्यादा कुछ आप लोगों को खोलने का आवश्यकता है नहीं। सीट सर्विस, सिर्फ आप लोगों को सीट ओपन करना है और बैटरी कवर खोलना है। तो चलो खोलने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टेप जो है, आप लोगों को सारे के सारे फ्यूज को चेकअप करना है। कैसे? मल्टीमीटर की मदद से। चलो मैं आपको बताता हूँ। मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यू मोड पे रखिए और बीप मोड पे रखिए। बीप मोड पे है, अब एक तरह से हम लोग चेकअप करें। इसको पकड़ के रखो। ओके, इसको लगा दो। ओके, ठीक है, इसको पकड़ो। ओके, यानी कि फ्यूज जो है हम लोगों का कंडीशन ओके है। अब दूसरा स्टेप है, बैटरी का वोल्टेज चेकअप करेंगे। बैटरी का वोल्टेज हम लोगों का कितना आ रहा है? 12 प्लस होना चाहिए, तो 12.75 आ रहा है। बैटरी का वोल्ट भी हम लोगों का टकाटक है। चलिए, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे इस रिले को। सेल्फ के लिए ये वाला रिले है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले वोल्टेज चेकअप करेंगे। देखिए, ये रेड कलर में बैटरी से डायरेक्ट वोल्टेज आएगा। देखो 12 वोल्ट मिल रहा है, अब यहाँ भी आप लोगों को 12 वोल्ट मिलेगा, यहाँ भी 12 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ ग्राउंड आप लोगों को चेक करना है ब्लैक कलर में। ग्राउंड कैसे मापे? यहाँ से तो वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ से ग्राउंड ले लेंगे, 12 वोल्ट हम लोगों का शो करेगा, तो शो कर रहा है। अब यानी कि जब रिले हम लोग लगा देंगे तो इसी वायर में वोल्टेज आएगा, तो ही काम बनेगा। तो चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ रिले पर जब हम लोग लगा रहा हूँ, वोल्टेज नहीं आ रहा है, रिले ख़राब हो चुकी है। ये रिले हमको नहीं मिलेगा, तो बजाज कंपनी का रिले जो है हम लोग लगाएंगे। 4 पोल का रिले है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पार्ट नंबर आपको लगाना है। बजाज कंपनी का ये वाला जो रिले है, सैमसंग मॉडल है, इसका पार्ट नंबर AL201012। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ वोल्टेज, आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा। वोल्टेज जब तक नहीं आएगा काम नहीं बनेगा। इग्निशन ऑफ करो। अब पहले आप लोगों को 2 वायर में वोल्टेज दिखाया था, अब आप लोगों को 3 वायर में वोल्टेज मिलेगा। चलो, रिले अगर हम लोगों का ख़राब हो गया है और ये रिले लगाने के बाद इसमें भी वोल्टेज आएगा। चलो चाबी ऑन करो। तो फ्रेंड्स देखो, 12 वोल्ट आने लगा है बीच पर, इस वायर पे, ब्राउन पे, रेड पर। यहाँ जब तक हम लोगों का 12 वोल्ट नहीं आएगा, सेल्फ वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ वोल्टेज हमको मिलने लगा है, और यहाँ तो पहले ही था और यहाँ भी पहले था, अब यहाँ मिडिल पर भी हम लोग को आने लगा है। अब सेल्फ स्टार्ट हम लोगों का 100% हो जाएगा मेरी तरफ से, आप लोगों को चैलेंज करके बोलता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
इग्निशन वन, सेल्फ स्टार्ट चालू, वन सेल्फ स्टार्ट चालू, वन बस। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या देखा, ये रिले का काम है सेल्फ स्टार्ट करना। और ये क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई करती है सेल्फ स्टार्ट के लिए, इंडिकेटर के लिए काफ़ी सारी जगह पर वोल्टेज प्रोवाइड होता है। ये रिले अगर कंपनी नहीं देता, अगर कुछ कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता तो क्या होता, पूरा बाइक का वायरिंग जल जाता। तो इसीलिए कंपनी ने ऐसा दिया है और बहुत अच्छा सिस्टम किया है, जो यहाँ हम लोगों का हल्का खोलने से हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और यहाँ जैसे कि आप लोगों को यहाँ बाइक को अपडेट करने के लिए है, और यहाँ फ्यूज बॉक्स किया गया है, और इसके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ रहता है। कभी कभी ये डिवाइस के कारण बैटरी बैठ जाता है, तो उसी वक्त आप लोग कपलर खोल के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कपलर खुला हुआ है, ये नहीं जो कपलर खुला है तो बाइक में कोई कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ मिसिंग होगा, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, ये सिर्फ ब्लूटूथ डिवाइस है, ठीक है। तो चलिए हमारा काम बन गया है। और यहाँ भी एक रिले दिया गया है, अगर ये भी रिले ख़राब हो जाता है तो कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट ये जो रिले है, ये रिले लगेगा आपका हीरो होंडा की, होंडा की जो पासिंग रिले होता है वही आप लोगों को लगेगा, यानी कि 5 पोल वाला रिले, ठीक है। तो इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं, यानी कि मैंने बजाज कंपनी का लगा दिया है। हमारा काम कम्प्लीट। चलिए एक बार बाइक को स्टार्ट करते हैं। बस तो दोस्तों, अगर ये स्कूटी आपका भी है और सेल्फ स्टार्ट की दिक्कत हो रहा है, तो आप रिले सेम मॉडल भी ले सकते हैं डीलर के पास जाके। बट हमारे यहाँ डीलर के पास हम गए थे, ये जो बाइक है न्यू मॉडल है, और इसमें क्या हो रहा था, न्यू मॉडल रिले अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। तो हम लोग जो मैकेनिक होता है, हम लोग को पता है कौन सा रिले लगने वाले हैं, कौन सा नहीं लगने वाले हैं। तो हमने वो जो बजाज कंपनी का रिले लगाया है, उसमें परफेक्ट सिस्टम से हम लोग का काम करेगा। उसमें आएगा ग्राउंड और 2 वोल्टेज आएगा, और रिले जब वर्क करेगा तब इग्निशन जब ऑन करेगा तो 3 वायर में वोल्टेज आएगा 12 वोल्ट करके। वो अगर आप लोग चेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों को रिले लगा कर देखना है। तो इस बाइक पर जो प्रॉब्लम था, हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आगे देखे जाएंगे, अगर आगे और भी दिक्कत होता है तो और भी वीडियो शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।